समाजवादी विचारधारा के अग्रदूत बागी बलिया के सपूत छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर कोविड के निर्देशों का पालन करते हुए मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के जीवन एवं उनके जीवन से जुड़े अनेक स्मृतियों पर चर्चा किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा समाजवादी विचारधारा के वाहक एवं अस्पष्ट वक्ता के लिए युगों युगों तक याद किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में छोटे लोहिया का योगदान अद्वितीय रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी उनकी स्मृतियों को अक्षुव बनाए रखने के लिए अपने शासनकाल में जनेश्वर मिश्रा ग्राम विकास योजना चलाकर प्रदेश के कोने कोने में उनके नाम को अमृतत्व प्रदान किया, साथ ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाकर उनकी मूर्ति स्थापना किया। सर आपका परिचय? सुशील कुमार पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बलिया जी। अभी यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले और इस बागी बलिया के मिट्टी के लाल स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी बलिया के तरफ से मनाई जाए और आज उनके पुण्यतिथि पर हम समाजवादी साथी उनको नमन करने के लिए करते हैं जी। तो कोविड काल में आप लोग किस तरह इसको और आचार संहिता को देखते हुए कार्यक्रम को मनाए? हम अपनी पार्टी कार्यालय के अंदर यह कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा भीड़ नहीं एकत्र किए हैं। हाल के अंदर जो निर्देश है संख्या उसी संख्या के से भी कम हम लोग हैं और पूरे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए और जनपद के लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए और कोरोना से बचिए।